तो हे एवरीवन, कैसे हो आप? सो आई होप यार अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो के नीचे दूसरा वीडियो सजेशन में कैसे लगा सकते हो। एंड अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर आप एक वीडियो को पब्लिक कर दिए एंड उसके बाद जितने भी आपके पुराने वीडियो हैं वो आपके सजेशन में कैसे आएंगे, ये सब कुछ में बात करेंगे एंड आपको सिखाएंगे इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहले जान लो यार, इससे ये फायदा होगा कि अगर आपकी अभी वीडियो आपने पब्लिक किया है वो नए बंदे तक इम्प्रेशन जाने वाला है। अगर नए बंदे तक जाएगा तो बाकी सारे वीडियो जो आपके पुराने हैं वो इसके पीछे पीछे जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो ऑडियंस अगर उस वीडियो को पसंद नहीं करते हैं, पसंद करते भी हैं, देखते भी हैं, उसके साथ ये वीडियो भी उनके सामने आ जाएगा, जिससे वो इस वीडियो को देखकर एंड आपके चैनल पे विजिट कर जाएंगे एंड आपके चैनल को देख पाएंगे, आपके वीडियो को देख पाएंगे एंड पुराने वीडियो भी चलना शुरू हो जाएगा एंड पुराने वीडियो आपको काफी ज्यादा पैसा देने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा जो ट्रिक है, जो तरीका है कि मल्टीपल वीडियो डालो, उसके साथ में ये बहुत बढ़िया काम करता है सजेशन वाला काम। क्यों करता दोस्तों? क्योंकि ये सजेशन वाला काम है ये आपके पुराने वीडियो को रिपीट एंड रिपीट चलाते रहता है, जिससे क्या होगा कि आपके व्यूज आते रहते हैं, चैनल पे पैसे बनते रहते हैं। अगर बात करें मेरी एवन टेक्निकल सॉल्यूशन की, तो मेरे एवन टेक्निकल सॉल्यूशन पे जो लेटेस्ट वीडियो देखोगे उसमें थोड़े व्यूज कम हैं, क्योंकि दोस्तों किसी कारणवश थोड़े व्यूज दब गए हैं। अब आपके प्यार रही तो बढ़ जाएंगे, लेकिन फिलहाल दब गए हैं। तो अगर हम बात करें कि मुझे पैसा कैसे बन रहा है, तो मेरे जो पुराने वीडियो हैं वो चल रहे हैं रिपीट, जिससे मुझे पैसे भी बन रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। तो थैंक यू सो मच इसके लिए, जो हमारे पुराने वीडियो को इतना सपोर्ट दे रहे हो आप सब। एंड अभी का वीडियो भी सपोर्टिव है, जो सपोर्ट दे रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच इसके लिए। अब बात करते हैं कि हम अपने चैनल को सजेशन में कैसे लाएंगे। तो मैंने आपको बात कर दिया इम्पोर्टेंस पे कि क्या है, कैसे फायदा होता है इससे एंड कैसे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? चलो जानते हैं कैसे इसको करना है, जिससे अपने सजेशन ला सकते हो। दोस्तों हम आज के मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ पे मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में अपने YouTube चैनल को ओपन कर रखा है। जी हाँ, अब क्या करना है, आपको लोगो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगा, योर चैनल, इस पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद योर चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कस्टमाइज चैनल दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद आपका चैनल YT स्टूडियो में ओपन हो जाएगा, वो भी क्रोम ब्राउजर में एज अ डेस्कटॉप मोड, है ना? तो अपना ये ध्यान रखना, थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड में कर लेना, ताकि आपका चैनल डेस्कटॉप साइड में ओपन हो एंड आपको इजी हो जाए सब कुछ करना। अब दोस्तों आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूं आपके लिए, ताकि आपको दिखा पाऊं। तो आपको यहाँ पे एक कंटेंट दिखेगा। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, कंटेंट वीडियो का आइकन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी वीडियो आपके चैनल पे हैं वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। अब किसी भी वीडियो पे क्लिक करो एंड उसके पेंसिल पे क्लिक करो एडिट करने के लिए, मतलब आपको एडिट करना है। अब आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करके एडिट के ऑप्शन पे आ जाना, जहां पे आप अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल सब कुछ कर सकते हो। अब क्या करना है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डालना है। क्या डालना है? लिंक यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में डालना है, जिसको आप सजेशन में देना चाहते हो। अगर आप अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में YouTube चैनल का लिंक डालते हो, उसका टाइटल डालते हो, YouTube चैनल का, YouTube वीडियो का, जो वीडियो आपके पास है उनका लिंक डालते हो, तो वो वीडियो सजेशन में आने लगेंगे इस वीडियो के नीचे, ठीक है? दूसरा चीज, आपको इन स्क्रीन लगाना है यहां से एंड कार्ड लगाना है। कार्ड मतलब आई बटन। तो आई बटन में लगाओगे जहां एंड आप इन स्क्रीन लगाओगे, तो इससे क्या होगा कि आपके चैनल सजेशन में जाएंगे, चैनल के वीडियो, जो वीडियो को आप लगाए हो वो सजेशन में जाएंगे। अब ये कंटिन्यू फॉलो करोगे 10, 15, 20, 25 वीडियो पे, तो क्या होगा कि कंटिन्यू आप देखोगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आपकी कोई भी वीडियो सामने में जा रही है, कोई भी सर्च कर रहा है, आपकी वीडियो सामने गई, उसके बाद देखो कि रिपीटेड बहुत सारे वीडियो आपके पुराने जो है नीचे आ जाएंगे, बहुत सारे वीडियो, तो ऐसा हो जाता है। तो आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहेगा एंड आप इसे सही से यूज कर पाओगे। तो इस प्रकार से आपको आई बटन लगाने हैं, एड स्क्रीन लगाने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने हैं वीडियो का, जिसे आप सजेशन में डालना है। तो अगर वीडियो इंपोर्टेंट रहा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना एंड हाँ, आई बटन कैसे लगाते हैं, इंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं, अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में कर देना। फिलहाल वीडियो को एंड करता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।